नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा GDS रिजल्ट 2023 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा GDS के शेड्यूल 2 का यहाँ पे जो है थर्ड लिस्ट जारी होने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो है थर्ड लिस्ट का वेट है, कब तक आपकी थर्ड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी वो यहाँ पर हम लोग को चेकआउट करना है। ठीक है, क्या न्यू अपडेट है, कब तक यहाँ पर जो है आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, कौन से स्टेट की सबसे कम यहाँ पर जो है कट ऑफ जाने वाली है, सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना जाए। सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे इस चैनल पर, मैं जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप गूगल पे GDS टाइप करेंगे फर्स्ट आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, नीचे आपको स्क्रॉल करना है एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा GDS शेड्यूल 2। यहाँ पे आपको A to Z सारे ही स्टेट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टेट की थर्ड लिस्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। सप्लीमेंट्री सेकंड लिस्ट ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो लिस्ट ओपन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूँ आपको कौन सी डेट के अंदर थर्ड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार लिस्ट 2। अब यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कितना टाइम आपको दिया गया था, तो 9 तारीख का आपको यहाँ पर दिया गया होता फ्रेंड्स, जो कि फाइनल यहाँ पर जो है पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं। जो लोग अपने गलत तरीके से फॉर्म फिलअप करके गए थे, जिन लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनवाए, जिन लोगों ने जितने भी फेक कैंडिडेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने पेज की PDF है, 30 पेज की। अब जो थर्ड लिस्ट आएगी इसमें आपको 22 या 21 पेज ही देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, थर्ड लिस्ट यहाँ पे कब तक जारी कर दी जाएगी, तो फ्रेंड्स 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग का थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अभी कुछ छुट्टियाँ आ गई थी जिस कारण यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पर जो है 16 तारीख तक ही लिस्ट देखने को मिल जाती, पर यहाँ पर जो है आपको 3 से 4 दिन और लगेंगे और आपका यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कल शाम तक GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे थर्ड लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाए। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितना यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले आपको अफवाहों से दूर रहना है। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि थर्ड लिस्ट यहाँ पर आ चुकी, तो अभी यहाँ पर नहीं आई है, आप देख सकते हैं, अफवाहों से आपको दूर रहना है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि 60 वालों का भी सिलेक्शन होगा, 70 वालों का भी होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी आप देख सकते हैं क्या है, 90 के ऊपर ही जितने आप लोग के यहाँ पे परसेंट है, 92 के ऊपर तो ही यहाँ पर जो है लिस्ट में आपका नाम है। एंड देन यहाँ पर जो है स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है, जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो अहमदाबाद सिटी का यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 83.6 पर हुआ है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो 60% पर सिलेक्शन होगा वो पता नहीं किस तरीके से आपको वो लोग बता रहे हैं। देख सकते हैं आप 82, 88 इस तरीके से यहाँ पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर जो है काफ़ी कम कट ऑफ गए। MP अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारे ही 95+ ही देखने को मिलेंगे। गुजरात का अगर आप कट ऑफ कंपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा कम कट ऑफ देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे जो इसका कम कट ऑफ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट का देखेंगे यूपी का, तो आपको और ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर यूपी की जो लिस्ट ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बता दूँ, तो अगर आप देखेंगे तो खुद आप लोग बोलेंगे कि कितना हाई कट ऑफ यहाँ पर रहे, तो अब बिल्कुल थर्ड लिस्ट में थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा, पर यहाँ पे इतना भी कम नहीं रहेगा कि 60 वालों का ही सिलेक्शन हो जाए। देख सकते हैं आप लोग मध्य प्रदेश कंपेयर में कितना ज़्यादा कट ऑफ है, 100 ही 100 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 98, 99, 97 इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ आया। ठीक है, तो अफवाहों से आपको बिल्कुल जो है दूर रहना है। ठीक है, जो यहाँ पर रियलिटी आप उस पर यकीन कीजिएगा, किसी की बातों में नहीं आना है। बाकी अगर आपको GDS साइट से कोई मैसेज आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा क्या उसमें डिटेल्स दी गई हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। जैसी थर्ड लिस्ट आएगी आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बता दूंगा सेपरेटली कितना यहाँ पर कट ऑफ गया है, कौन से स्टेट का और कौन से स्टेट का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।